वो वक्त वो मंजर वो नज़ारा भी आएगा, समंदर है अगर तो किनारा भी आएगा। अरे जिंदगी की इन मुश्किलों से हार मत जाना है मेरे दोस्त, भरोसा रखो टारगेट गुरुकुल पे, एक दिन तुम्हें सलाम करने तुम्हारा सितारा भी। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल पे स्वागत है। इतना खुशी हो रही है अंदर से कि जो हमने बीकॉम एक्सपीरियंस के लिए सोचा था वो फाइनली हम लोगों ने टारगेट पूरा कर लिया। सर ने 400 क्वेश्चन बनाए हुए थे और 400 के 400 क्वेश्चन दो क्लास में खत्म हो गए सर। जी सर, सर जो आपकी पहली मैराथन थी फिर आज एक और मैराथन आपने लिया है, सारे क्वेश्चन आपने कवर कर दिया। जी सर, तो सर सबसे पहले बात करेंगे बच्चों के लिए कि कुछ बच्चे होंगे जिनको पता नहीं कि भाई सिलेबस मेरा है लेकिन ये आखिरी रात है, आखिरी रात में क्या करना है उनको, मतलब जो पढ़ना था पढ़ चुके हैं उनको मैं बोलूंगा कोई कॉपी किताब जो भी अब था अब उसको बंद कर दो, अब सर जो बोल रहे हैं बस उसको सुन लो, क्योंकि सर ने ऑलरेडी 2 से 3 बार लखनऊ विश्वविद्यालय का एंट्रेंस दिया है और अपने आप को प्रूफ किया है, हमेशा रैंक में रहे। ठीक है, तो बस सर बताइए सर कि जो ये बीकॉम का सिलेबस जो यहाँ पे है बच्चों का, जो बीकॉम का सिलेबस आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये सिलेबस में क्या बच्चों को पढ़ना होगा? बीकॉम एनईपी की बात करें या बीकॉम ऑनर्स की बात करें, बीकॉम कुछ चीजें यहाँ पे दोनों कॉमन है। जैसे यहाँ पे मेंटल एबिलिटी की बात करो, कॉमर्स अकाउंटिंग कमर्शियल मैथ, ठीक है, कमर्शियल मैथ थोड़ा सा कॉमन नहीं है क्योंकि बीकॉम ऑनर्स में सर एडवांस मैथ आता है, बाकी इकोनॉमिक्स अकाउंटिंग कॉमर्स इसमें क्या पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, अब कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस प्लेलिस्ट में जो वीडियोस मैंने कराए हैं 13 वीडियोस, आज की वीडियो को लेके 13 वीडियोस हो गए, बस उस 13 वीडियोस की प्लेलिस्ट की वीडियोस को खत्म कर देना है। इसके साथ साथ मैथ में जो मैथ की वीडियो सिद्धार्थ सर ने ली है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, लॉगरिथम, वो पढ़ लेना है। इसके अलावा कंप्यूटर में रोहित सर की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है कंप्यूटर में वो पढ़ लेना है। इंडियन इकोनॉमी में 5 ईयर प्लान पढ़ लेना है। कंप्यूटर में जो फुल फॉर्म होगा जो पढ़ाया है, जीबी केबी का क्वेश्चन हो गया, फिर जनरेशन हो गया कंप्यूटर के, यही बस पढ़ना है। क्वेश्चन कुछ टॉपिक चुनिंदा टॉपिक है उसी से क्वेश्चन पूछते हैं सर, क्योंकि आई थिंक रोहित सर ने जो पढ़ाया होगा उसमें सब कुछ कल था, मैंने रोहित सर के साथ डिस्कस किया सब कुछ, रोहित सर को मैंने पहले ही बता दिया था कि सर यही क्वेश्चन है, यही टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनेगा, सर ने उसी टॉपिक से क्वेश्चन बनाए थे। सर बच्चों से ही हम रिक्वेस्ट करेंगे, एक आखिरी इनसे मतलब दरख्वास्त रहेगी हमारी कि सर जो बोल रहे हैं कि आप लोग को प्लेलिस्ट पूरी पढ़नी है, यूट्यूब पे जाओगे कॉमर्स की अलग प्लेलिस्ट आपको ढूंढ, थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, मैं जनरल मैथ की प्लेलिस्ट होगी और आपकी इकोनॉमिक की और कंप्यूटर की अलग प्लेलिस्ट है, वैसे पूरा पढ़ लोगे। कॉमर्स में ही अकाउंटिंग अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट आ जाएगी, कॉमर्स में ही इकोनॉमिक्स की भी प्लेलिस्ट, और जो ज्योति में हमने पढ़ाया है सर, जो ज्योति में हमने मेंटल एबिलिटी पढ़ाया है हाँ उसकी भी प्लेलिस्ट, इसको आप लोग पढ़ लेना जरूर। अच्छा मेंटल एबिलिटी में क्या आता है तो मैं बता दे रहा हूँ, नंबर सीरीज पढ़ लेना, ठीक है, सीक्वेंस टेस्ट पढ़ लेना जो रैंकिंग सीक्वेंस का आता है, और थोड़ा सा आपका आता है एनालॉजी वो पढ़ लीजिएगा, और ब्लड रिलेशन, बस ये टॉपिक्स पढ़ लीजिएगा, इसी से क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल सर, तो यहाँ पे बच्चों के लिए जो ये वीडियोस है काफी इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को प्लेलिस्ट पूरा पढ़ के जाना है, कोई भी एक्स्ट्रा टाइम आप नहीं देना है। सेकंड चीज सर बच्चों की बात करें यहाँ पे, तो ये उनके लिए विशेष करके नोटिस है कि आप लोग को जो 2 फोटो अपने साथ जरूर ले जाना है, बिल्कुल सर, 2 कॉपी आप लोग को एडमिट कार्ड की लेकर जानी है, आप लोग पानी अपना ले जा सकते हो, ठीक है, वहीं पे आपको कैलकुलेटर स्मार्ट वॉच जो मैंने पहना हुआ है ये आपको नहीं लेकर जाना है, ऐसी वॉच आप लेके जा सकते हो जो मैंने पहना, हाँ वैसे नॉर्मल वॉच चली जाएगी, ठीक है, UECTPH और FF और EX आर्मी ये जो आरक्षण आपने लगाया हुआ है, ठीक है, या फिर NCC स्पोर्ट कोटा का आरक्षण लगाया है, तो ये सर्टिफिकेट आपको लेकर आना है और आप लोग अपने कैंपस में वेरीफाई भी करवाओगे। और सर ये पूछेंगे बच्चे कि हम लोग आने कहाँ वाले हैं, तो ओल्ड कैंपस में आने वाले हैं, कहीं भी आपका सेंटर हो आप लोग एग्जाम देने के बाद तुरंत आ सकते हैं ओल्ड कैंपस मिलने के लिए, अगर आपकी मिलने की इच्छा है तो हम लोग ओल्ड कैंपस में एग्जाम के खत्म होने के बाद एक्साइटमेंट हो रही है, मतलब बच्चों से मिलने की, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, पढ़ाया गया अब नर्वस तो हम लोग भी हैं अंदर से कि क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस है सर क्योंकि हमने हर संभावनाओं को कवर किया है। बिल्कुल सर, तो जो बच्चा कोर्स में पूरा कोर्स का पढ़ लेगा, जो बच्चा यहाँ पे प्लेलिस्ट पढ़ लो प्लेलिस्ट से, और बात करेंगे वीडियो वगैरह अपडेट वगैरह देखना बंद कर दो, अब जाके बस प्लेलिस्ट पढ़ो रात भर सुबह तक जब तक सेंटर में एंटर न कर जाओ। काम करिए मैं बताता हूँ, प्लेलिस्ट को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, या फिर प्लेलिस्ट को वहीं से देख लीजिए, प्लेलिस्ट को 2x कर दो ना, या फिर वाईफाई कनेक्ट कर लीजिए, एरोप्लेन मोड पे फोन डाल दीजिए अगर आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है, सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए, पूरा कंसंट्रेशन केवल आपके प्लेलिस्ट के वीडियो पे होना चाहिए, और जान झोंक दो आज। बिल्कुल सर, कल आप टॉप कर लेंगे, हमें उम्मीद है कि मतलब 100 में कम से कम 70-80 जो क्वेश्चन होंगे वो डायरेक्ट हिट करने वाले हैं। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, कोई शक नहीं है उसमें, एक भरोसा एक उम्मीद आप टारगेट को दिए हो, उस उम्मीद पे हम कायम रहेंगे, एग्जाम के बाद मिलते हैं और देखते हैं कि एग्जाम में हमारा रिजल्ट क्या रहा है और आपका रिजल्ट क्या था। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं।